बड़ी खबर इस वक्त की। शिवपुरी विधानसभा क्रमांक 25 से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक देवेंद्र जैन ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत की प्रति पूरी आश्वस्त हूं। मैं शिवपुरी का विकास और शिवपुरी की शांति और सुरक्षा को खतरा ना बने इन बातों को लेकर जनता के बीच जाऊंगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी की शांति व सुरक्षा को विरोधी दल के प्रत्याशियों से खतरा है। उन्होंने कुछ काम विकास के अधूरे रह गए हैं, उन्होंने हमें पूरा करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। नामांकन करके आप, मुझे लगता है 2-1 दिन बाकी हैं। हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ है। हमारी जो संस्कृति है कि कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त से किया जाए, जो अच्छा मुहूर्त देखा उसमें भाग प्रवेश किया। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लिए? पूरी तरह। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? शिवपुरी का विकास और शिवपुरी की शांति और सुरक्षा को खतरा ना हो पाए। इससे खतरा विरोधी दलों के प्रत्याशियों से सीधा सीधा है। पूरा शिवपुरी क्षेत्र की जनता भी जानती है, मुझको बताने की जरूरत है। शिवपुरी की बेरोजगारी के लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसको दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आपको नहीं लगता कि मतदाताओं में एक बहकावा माहौल बनाकर आप जनता का मत लेना चाहते हैं? मैं बहका वातावरण कतई नहीं बनाना चाहता। मैं जनता का भय दूर करना चाहता हूं। बाकी अभी तो बनाना पड़ेगा। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके मात्र प्रत्याशी और उनके समर्थकों को देखकर जनता के मन में भय व्याप्त है। यदि दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश यदि जे जीत जाती हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसा जनता के मन में देवेंद्र जैन नहीं पैदा कर। उसी को बनाने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं, हम तो भय समाप्त करना चाहते हैं। कुछ काम विकास के अधूरे रह गए हैं। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की विधायक थी, तो क्या उन कामों को आप आगे बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल नुकसान उठाने वाले हैं? बिल्कुल आगे बढ़ाने वाले हैं। नुकसान पूरे करेंगे। नुकसान क्या, कुछ काम अधूरे रह गए 14-15 साल में नहीं हुए, तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी पूरा करेंगे। अधूरे कामों को कहीं ना कहीं पिछड़ा पड़ने काम। आप क्या मानते हैं शिवपुरी में विकास नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कौन कहता है कि नहीं हुआ? 14 साल से जलावर्धन अटकी हुई है, 13 साल से सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है। सीवर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को भी मालूम होगा, इसकी निर्माण एजेंसी नगर पालिका होती है। ये तो आप कांग्रेस पर थोप चुके हो, जगमोहन सेंगर थे उसमें। नहीं, उसमें थोप नहीं चुके। नहीं तो मॉनिटरिंग तो आपके विधायक थी। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि पाइप कब खरीदे गए, पाइप सड़े खरीदे गए, और जो खराब पाइप खरीदे गए उनकी वजह से जो पाप कांग्रेस की नगर पालिका ने किया उसका परिणाम शिवपुरी की जनता ने भोगा। लेकिन विधायक तो 10 साल तक विधायक जी ने दोबारा से पाइप लाइन मंजूर करवाई, फंड मंजूर करवाए और नए पाइप डाले जा रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 6 बार के लगातार विधायक हैं। बिल्कुल, और एक कद्दावर बाहुबली विधायक कहा जाता है। बाहुबली का डेफिनेशन क्या होता है? दबंग। तो आपको क्या लगता है आप कहाँ तक है चुनाव में? शिवपुरी क्षेत्र शांति का स्थान। शिवपुरी का व्यक्ति सबसे पहले शांति और सुरक्षा चाहता है। शिवपुरी की जनता दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को भूली नहीं। जब हमारे यहाँ वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी शिवपुरी जिले के सीएम हुआ करते थे, इस शिवपुरी जिले में इनने क्या क्या कारनामे किए वो पूरी शिवपुरी जिले की जनता जानती है। आज जनता को मौका मिला है हिसाब चुकाने। शिवपुरी की जनता शांति के साथ साथ बिजली पानी सड़क और रोजगार चाहती है। बिल्कुल चाहिए। उसको लेकर बिल्कुल चाहिए। कहीं ना कहीं पिछड़ापन अभी भी है कि रोजगार नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं, तो आपका कोई मतलब ऐसा जो कमियां हैं उनको पूरी किया जाएगा हर हालत, अधूरी योजनाओं को पूरा किया हर हालत। विकास ये बिंदु क्या रखे हैं भाजपा जो जनता के पास लेके जा रही है? बिल्कुल, पेयजल पानी सप्लाई में पेयजल में जो खामियाँ उसको खत्म करके शिवपुरी की हर घर में सुचारू रूप से जल की सप्लाई हो,
देवेंद्र जी, कांग्रेस की सरकार में आप विधायक थे 1994 में, बिल्कुल, और 5 सालों में आपका एक भी क्वेश्चन विधानसभा में नहीं आया, बिल्कुल राइट। ऐसे में कहीं कहीं ना कहीं विपक्ष का मामला, आप विपक्ष में थे फिर भी आपने क्वेश्चन नहीं लगाया। इस बार उम्मीद की जाएगी विधानसभा गूंजेगी आपकी आवाज, बिल्कुल, और आप सम्मान करें, बिल्कुल। आपके बैनरों पर लिखा हुआ है कि भयमुक्त बनाना है विधानसभा को, गुंडागर्दी खत्म करना है, तो कहाँ गुंडागर्दी खत्म करना है, भयमुक्त बनाना है, राइट। तो अभी क्या लगता है आपको, अभी क्या विधानसभा में गुंडागर्दी चल रही थी? नहीं, चल नहीं रही थी। आगे गुंडागर्दी ना हो, आगे शिवपुरी की सुरक्षा को, कल 3 तारीख के बाद शिवपुरी की शांति और सुरक्षा को, ऐसा क्यों लगता है कि आगे गुंडागर्दी होगी? सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि शिवपुरी के लिए खतरा है? केपी सिंह खतरा है शिवपुरी के लिए, गुंडे हैं वो। जे आप लोग जानते हैं, मुझसे पूछ रहे हो आप? बिल्कुल सब सत्य लिखा है, एक शब्द गलत नहीं लिखा। धन्यवाद।